नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही कुछ इस प्रकार है। पहली सूचना जो पेट से संबंधित है, पेट का रिजल्ट यथाशीघ्र जारी हो रहा है, इसी सप्ताह उम्मीद लगाई जा रही है कि पेट का रिजल्ट आ सकता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, 25 तक सीईटी का आवेदन डेट बढ़ा। अब तक 21 तारीख लास्ट डेट थी सीटेट की आवेदन के लिए, जिसको बढ़ा करके 25 तारीख कर दी गई है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कि सीटेट का आवेदन नहीं किया था और इच्छुक हैं सीटेट का आवेदन करना चाहते हैं, तो 25 तारीख तक भी आवेदन कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट छात्रवृत्ति को लेकर के है। समाज कल्याण विभाग ने भी 11-12 स्नातक स्नातकोत्तर मेडिकल इंजीनियरिंग आज के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है उसके अंतर्गत जो डेट चल रही थी उसकी भी लास्ट डेट फॉर्म भरने की 21 तारीख थी, 21 अक्टूबर, जिसको कि बढ़ा करके आज 25 तारीख कर दिया गया है। तो सारे अभ्यर्थी 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। एक नई अपडेट कोरोना से संबंधित है। लगभग यूपी के 75 जिलों में से 71 जिलों में कोई नया केस नहीं आया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी जनमानस के लिए कि यह एक बड़ी आपदा थी जो कि धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तो एक अच्छी खबर है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है प्रयागराज PNP से। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय इन दिनों तिहरे मोर्चे पर काम कर रहा है। एक तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी करनी है, उसकी आपत्तियां लेनी है तथा 12 नवंबर तक परिणाम घोषित किया जाना है। साथ ही साथ इधर देख रहे हैं आप टेट की जो फॉर्म है वो भी अप्लाई हो रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी इनको रखनी है ताकि समय रहते टेट का भी पेपर करा लिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं पूर्व से ही निर्धारित कर दिया गया है कि टेट की परीक्षा कब होगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट रही आपकी PNP से। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, परीक्षा केंद्रों पर पहुंची पुलिस, CCTV फुटेज खंगाली। जूनियर भर्ती परीक्षा को लेकर के जांच तेज हो गई है और कई जगह CCTV फुटेज आदि खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि सही आरोपी का पता लगाया जा सके और उसको पकड़ा भी जा सके। आप जानते हैं कि धांधली का मामला सामने आया था, उसमें एक प्रिंसिपल गिरफ्तार भी आया था जिसने कि पेपर आउट कराया था। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर सॉल्व किया था, उनका भी पता न चल सका है। उसी को लेकर के पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है और जल्द ही उम्मीद है कि कुछ नया खुलासा होगा और सुराग हाथ हालांकि अभी नहीं लगे हैं, लेकिन जल्द ही खुलासा होगा और कुछ नया जो लोग भी इसमें पकड़े जाएंगे। जैसे कि देखिए, फिरोजाबाद जिले के टूनल गाँव में जाजपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक बीनू सालबर गैंग का सरगना निकला है, इसके पता चला है। पुलिस का कहना है कि उसे सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा में सालभर भूपेश को परीक्षा देने के लिए भेजा था। उसके पकड़े जाने के बाद मंगलवार को बीनू भी अभ्यर्थी भुवनेश्वर सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस व अन्य अभ्यर्थियों को भी तलाश जारी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट PCS प्री परीक्षा से संबंधित है। 2021 की जो PCS परीक्षा है उसमें पदों की संख्या बढ़ने के साथ साथ 24 तारीख को परीक्षा आयोजन के लिए नई तकनीकी और नई सारी व्यवस्थाएं जो है आयोजित करने के प्रति आयोग सशक्त हो रहा है। आयोग क्योंकि लगातार देख रहा है कि भर्ती परीक्षाओं में धांधलियाँ हो जा रही हैं, पेपर आउट हो जा रहा है, तो उसकी वजह से सतर्कता बरत रहा है। 1505 केंद्रों पर लगभग 691173 अभ्यर्थियों आवेदन किया है जिन्होंने, वे जो है परीक्षाएँ देंगे। सबको केंद्र अलाट कर दिया गया है और 24 तारीख निर्धारित समय पर इस पर परीक्षा होनी है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और अपनी रिवीजन क्लासेस अच्छे से करते रहें, क्योंकि परीक्षा जो है यथा समय निर्धारित की गई है, तो उसी समय आपकी परीक्षाएँ होंगी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।